सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले उस समय इस नारे को भूल जाते हैं जब बात अपने स्वार्थ की आ जाती है। वहीं इनका साथ देता है प्रशासनिक अमला, जिसका सांठगांठ से जहां विकास में रोड़ा उत्पन्न किया जाता है, वहीं गरीबों का शोषण किया जाता है। मामला रायपुर करछुलियान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम डखरा से सोना रूपा के लिए बनने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का है, जहां 20 वर्ष पहले डखरा से सोना रूपा के लिए 2.6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया, जिसकी पूरी सड़क में मिट्टी पड़ी है और पूरी सड़क प्रस्तावित एवं स्वीकृत है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री सड़क हो गई है। इसको बनाने में किसी प्रकार का विरोध नहीं था, लेकिन हाल ही में हुए पंचायती चुनाव में जिन लोगों के द्वारा वोट नहीं दिया गया, उन्हें परेशान करने के लिए उक्त मार्ग निर्माण के कुछ भाग में बाधा उत्पन्न करने के लिए शिकायत करवा दी गई, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारी कर्मचारी शिकायत मिलने का बहाना बनाकर काम बंद कर दिया है। स्थानीय निवासी समीर शुक्ला ने आरोप लगाया कि उक्त सड़क को बनाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एएम अमरेश पांडे एवं स्थानीय निवासी अशोक शुक्ला, जो आपस में रिश्तेदार हैं, मिलकर रोक लगा दिया है, जबकि उक्त जमीन मध्य प्रदेश शासन की है। आपत्ति के कारण 400 मीटर सड़क का निर्माण रुका हुआ है और सैकड़ों की बस्ती के लोगों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं महाप्रबंधक केसी ध्रुवकर से मिलने पहुंचे स्थानीय निवासी समीर शुक्ला और आप पार्टी के संभागीय पदाधिकारी अमित सिंह को, और इसके बाद सुनाएंगे महाप्रबंधक प्रधानमंत्री सड़क को, उनका पूरे मामले में क्या कहना है। ग्राम सोना रूपा ठकरा है, जहाँ कुछ सड़क का विवाद है, प्रधानमंत्री सड़क का सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन इसके बाद भी राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं बनने दिया जा रहा। क्या मानते हैं किस तरह से विकास में बाधा उत्पन्न की जाती है, राजनीतिक लाभ के लिए कैसे जनता का शोषण? देखिए, एक तो जो डिपार्टमेंट काम करता है बड़ा कैजुअल अप्रोच से काम करता है, वो जीएम को ही भटका देता है, वो वस्तु स्थिति के फील्ड में जाके काम नहीं करता। इसमें इशू क्या है कि वहाँ आरआई की पोस्टिंग नहीं है बहुत दिन से, तो सीमांकन ही नहीं हो रहा। आपत्ति करता किसान जानता ही नहीं कि मेरी जमीन शुरुआत कहाँ एंड कहाँ है, जबकि कलेक्टर ने बहुत पहले धारा 135 में वो ज़मीनें अधिग्रहित करके दे दी, शासन की ही ज़मीनें हैं, वहाँ रोड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, 3100 मीटर का सैंक्शन रोड है, उसमें से 2600 ही बन पा रहा है। 2600 में भी 300-400 मीटर में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड स्टाफ काम नहीं कर रहा वहाँ अच्छे से। वही भ्रमित कर देता है जीएम साहब को उठपटांग रिपोर्ट्स दे करके। तो राजस्व विभाग और पीएमजी से विभाग अगर एक घंटा या आधा घंटा भी वहाँ ठीक से दे दें, फील्ड में काम करके आ जाएँ, तो सड़क का निर्माण तुरंत चालू हो सकता है। क्या मानते हैं किसके कारण ये बात उत्पन्न की जा रही है, मुख्य रूप राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक अधिकार? वोट का इंटरेस्ट तो हर चीज़ से जुड़ा है, और राजनीति हर डिपार्टमेंट में घुसी हुई है, इंजीनियर्स के दिमाग में भी घुसी हुई है, राजस्व के कर्मचारियों के, क्योंकि इस समय शासन इतनी दखल रखता है राजनीतिक और वोट के चक्करों में कि वो ब्लाइंड है, वो अंधा है, उसको प्रोग्रेस या काम से मतलब नहीं, उसको हर चीज़ में वोट की राजनीति से मतलब। आगे क्या होगा अगर नहीं बनाते तो, आगे क्या कदम उठाए? जबरदस्त आंदोलन, 1500 लोग, 1800 लोग की बस्ती है, वो सब चाहते हैं रोड बने, और रोड क्यों नहीं बनेगी? शासन ने पैसा दे दिया, ठेकेदार को काम दे दिया गया, तो क्यों नहीं बननी चाहिए? पेनल्टी बढ़ेगा क्या डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को? ये अभी आप लोग यहाँ प्रधानमंत्री प्रबंधक जी से मिल रहे हैं, क्या मामला है सड़क का, किस तरह से काम रुका हुआ है और क्या ही बात हुई? देखिए, ऐसा है कि ये मामला है रायपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ढकरा से सोना रूपा के बीच बनने वाली प्रधानमंत्री सड़क का। ये 2.6 किलोमीटर सड़क जो है प्रस्तावित और स्वीकृत है, और पूरी 20 साल पहले से उसमें मिट्टी मुरूम पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के द्वारा इसको केवल 2200 बनाया जा रहा है और 400 मीटर छोड़ा जा रहा आगे तरफ। जब काम रुक वहाँ नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने यहाँ एएम से और जीएम साहब से बातचीत करने के लिए आए हैं, और जहाँ पर इन्होंने रोका है वो रोका है खसरा क्रमांक 214/2 पर, और 214/1/2 पर काम रोका है। ये मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, और यहाँ से लेकर के आगे 400 मीटर तक पूरा काम रोका है। इसी संबंध में हम लोग जीएम साहब से मिलने आए थे कि साहब, मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है तो आप लोग क्यों रोक के रखे हैं इसको? तो इनका कहना है कि किसी ने आपत्ति दी है कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि वो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, और खसरे में मध्य प्रदेश शासन दर्ज है, नक्शे में मध्य प्रदेश शासन है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के कारण उसको रोका गया है। इसी संबंध में हमने जीएम साहब से पॉलिटिक्स में है क्या, राजनीतिक या कोई गुंडाई दादागिरी न्यायालय? देखिए, क्या है कि एक तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो हैं, और यहाँ के जो हमारे एएम साहब हैं इनसे उनकी निकटता है। कौन है स्थानीय लोग, कौन है, किसी पार्टी के लोग हैं? पार्टी के नहीं है, एक अशोक शुक्ला करके है और भी एक दो लोग हैं,
और एक हमारे जो एएम साहब हैं इनकी सबके पांडे जी इनकी निकटता है उनसे, इसके कारण वो थोड़ा सा उनके कारण ये भ्रमित हैं और उसके कारण वो 400 मीटर की रोड रोके हुए हैं। ना सड़क बनने से कितने लोगों का नुकसान है, कितने लोगों का आवागमन वहाँ से बाधित है साहब? एक रोड है उस 400 मीटर को रोक दिए हैं तो पूरे गाँव का ही नुकसान है उसमें, लेकिन हो गया ये वहाँ स्थानीय पॉलिटिक्स के कारण है। और जो अशोक शुक्ला वगैरह है ये सरपंची वगैरह का चुनाव अब उनके परिवार से लोग लड़ते हैं, ये जिधर रोड जा रही है उधर के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था, इसके कारण ये सब है। अभी क्या आश्वासन दिया आपको जीएम साहब? हमने जीएम साहब को बताया कि भाई ये उनको खसरा नंबर दिया, हमने कहा जहाँ पर आपने रोका है वो मध्य प्रदेश शासन है, कलेक्टर साहब ने उसको मध्य प्रदेश शासन किया है, इसके बावजूद तो उन्होंने अभी उनको पूरी बात हो गई है। अगर काम ना हो इसके लिए लगा दिया गया? हाँ, सब मिला करके ये स्थिति है कि 400 मीटर रोड नहीं बननी चाहिए, इसके लिए सब प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने वोट नहीं दिया? हाँ, वोट नहीं दिया इसलिए। सोना रुपया ढगरा से का कुछ मामला है, सड़क स्वीकृत ज्यादा है लेकिन कम बनाई जा रही, लोगों का आरोप है कि राजनीतिक और कुछ अपने निहित स्वार्थों के लिए जनता की सुविधा नहीं मिल पा रही, क्या मामला है, क्या निर्देश हुआ, बातचीत हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सोना रूपा रोड 3100 मीटर लंबाई की स्वीकृत हुई है जो कि 2600 मीटर एक साइड से, 500 मीटर उसमें अलग से है, है ना। तो यहाँ 2300 के आसपास कुछ लोगों ने आके आपत्ति दर्ज की है कि हमारी ज़मीन है उसमें हमारी बिना परमिशन के नहीं बनाई जाए, तो हमने तहसीलदार साहब को लेटर लिखा है, जैसे ही तहसीलदार उसका सीमांकन कर देंगे तो हम पूरी मध्य प्रदेश शासन है जो लोग आए हैं, लेकिन तो इनाम के लिए अवरुद्ध कर दिया जाए ना बने इसलिए आपत्ति कर दिया, तो उस आपत्ति की जांच हुई कुछ या निरीक्षण तहसीलदार महोदय को करना है, करवा लेते हैं, शीघ्र करवा लेते हैं, अगर निराकरण हो जाता है तो हम पूरी लंबाई में काम करा देंगे। कुछ विभाग के लोगों का भी इंटरेस्ट उसमें बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विभाग तो काम करने के लिए तैयार है ना। जी अभी तहसीलदार से मिलेंगे, अमरीश पांडे जी हैं असिस्टेंट मैनेजर, है ना, शीघ्र निराकरण करवाएंगे।